हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी के लिए हरियाणा में डीसी रेट भर्ती 2020 के फार्म आ चुके हैं। ये चार विभागों में निकाले गए हैं सीधी भर्ती के फार्म, आपको यहां पर बताने वाला हूं। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। जो लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे, जैसा कि हरियाणा में डीसी रेट भर्ती का इंतज़ार करने वाले अभ्यर्थियों महिला पुरुषों के लिए एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी बताने वाला हूं। और भाइयों बहनों दोस्तों, सभी भर्ती जो होंगी आपके इंटरव्यू से आपकी की जाएंगी। वेतन भी अच्छा खासा इसमें दिया जा रहा है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी आपको मिलेगी, तो वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो शुरू होने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो डीसी रेट से मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं, ये पहला नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मैं ऐसे तीन और नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं भर्तियों के, मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप सभी के लिए जो भर्ती सबसे पहले आपकी निकली है, ये गुरुग्राम में आपकी भर्ती निकाली गई है। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी बताऊंगा, तो वीडियो पूरा देखना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना और लाइक कर देना। और दोस्तों, देख सकते हैं ये जो भर्ती आई है, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है 5/project/2020HR। तो ये जो भर्ती आपकी है, इंटरव्यू से आपकी भर्ती की जानी है। ये जो भर्ती है आपकी डीसी रेट पर है, और इसका जो आपका ड्यूरेशन है, समय सीमा है 9/7/9 जुलाई 2020 तक है। कम भी है, इसका बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इसकी क्वालिफ़िकेशन जो आपकी है, पीएचडी डिग्री इन लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी, मिनिमम 60% आपके मार्क्स होना चाहिए, और एमएससी, और इसमें आपका इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आपके जो एज है 35 ईयर होनी चाहिए एज। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको इसमें बताया गया है, डिग्री आपके पास कोई भी है, आप इसे फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये 36,000 पर मंथ आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। और पोजीशन आप देख सकते हैं, एक पोस्ट है। ये आवेदन यहाँ पर ऑनलाइन किया जाएगा, और आपको यहाँ पर लिंक दे दूँगा। और दोस्तों, इसमें देख सकते हैं जो 30 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और 1 अप्रैल को आपको ये एड्रेस पर आपको जाना है इंटरव्यू के लिए। रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फरीदाबाद गुरुग्राम एक्सप्रेसवे, फरीदाबाद, ये भर्ती निकाली गई है। ये तो रही दोस्तों पहली भर्ती के बारे में। आप इसमें बताया गया है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पर ले जाना है। तो दोस्तों, ये तो रही पहली भर्ती के बारे में। अब देन दूसरी भर्ती के बारे में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, आप सभी के लिए ये भर्ती एक और निकाली गई है। ये दूसरी भर्ती सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स चंडीगढ़ से ये भर्ती निकाली गई है। इसका ये एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। तो दोस्तों, देख सकते हैं इसकी 4 पोस्ट इसमें आपको हैं, आपके इसमें फॉर्म आपके लिए मांगे गए हैं। मैन पावर फील्ड की ये जो इन्वेस्टिगेटर के 4 पोस्ट हैं, आपको 1,00,000 रुपये पर मंथ इसमें सैलरी, नहीं सॉरी, इसमें 10,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलने की संभावना है। एलिजिबिलिटी की बात करूँ दोस्तों, आपको बैचलर डिग्री विद 55% आपके मार्क्स होना अनिवार्य हैं, ठीक है। और दोस्तों, इसका अप्लाई कैसे करना है, इस फार्म को आपको फुल बायोडाटा इंक्लूडिंग नेम, पेरेंट्स नेम, पोस्टल एड्रेस और आपका सेल फोन नंबर अलोंग विद एकेडमिक डिटेल्स, स्टार्टेड 10 ऑनवर्ड्स एक्सपीरियंस जो भी है, आप यहां पर इसको आप भेज सकते हैं। और दोस्तों, ये 24 तारीख तक इसे आप भेज सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, ये जो फार्म आपको एप्लीकेशन पीडीएफ सेंड करना है, इस ईमेल आईडी पर आपको अच्छे से पीडीएफ बनाकर सेंड कर देना है, ठीक है। और दोस्तों, जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट किए जाएंगे, आपकी ये लिंक पर आपको नोटिस बोर्ड देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसका फॉर्म है, मैं आपको नीचे दे दूंगा, इसे डाउनलोड करके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अपना नेम अच्छे से भर के। और दोस्तों, यहाँ पर जो बीए कैंडिडेट हैं, बीएससी कैंडिडेट हैं,
कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट हो वो यहाँ पर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये तो रही सेकंड भर्ती के बारे में, अब मैं थर्ड भर्ती के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये सभी लोग ये थर्ड भर्ती देख सकते हैं, ये वॉक इन इंटरव्यू से भर्ती की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी रोहतक की ओर से निकाली गई है भर्ती। यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, 60 दिनों के लिए भर्ती है। ठीक है, आप इसे अप्लाई करने के लिए आपको 200 रुपये फीस चुकानी पड़ेगी। और दोस्तों इसमें देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट पोस्ट 1 इसमें दी हुई है। ठीक है, और दोस्तों देख सकते हैं इस क्वालिफ़िकेशन आपको मेडिकल ग्रेजुएट होना चाहिए और इसमें BDS BHMS होना चाहिए। ठीक है, और एनी ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई भी MPH होना चाहिए और मैट्रिक्स में आपको संस्कृत होना अनिवार्य है। आपकी सैलरी जो है 20,280 पर मंथ दी जाएगी। एज की बात करो तो 18 से 42 वर्ष वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 30 दिन को आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी तीसरी भर्ती के बारे में कंप्लीट हो गई। अब चौथी भर्ती, लास्ट भर्ती आपके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं TIGRE SS की ओर से ये वैकेंसी निकाली गई है। जो एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं इसका, 5 आपकी पोस्ट हैं जूनियर रिसर्च फेलो की। तो आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ड्यूरेशन है, जो समय सीमा है, 1 साल के लिए है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग से आपकी जोड़ी जाएगी। क्वालिफ़िकेशन आपको मास्टर डिग्री MA MSc 55% से आपको होना अनिवार्य है। 5% जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। तो भाई बहनों, आप सभी लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये इस जो भर्ती का फॉर्म है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, ये इसका फॉर्म दिया हुआ है, आप इसे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से ये जो भर्ती निकली है यहाँ पर इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको सभी भर्तियों के बारे में जानकारी मिल गई होगी इस वीडियो में, जितनी जानकारी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ऐसे ही भर्तियों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए, जय हिंद।